असल हम कक्षा छठी के चैप्टर शुरू कर रहे हैं ज्यामिति। ज्यामिति क्या होती है? जियोमेट्री, यानी कि जियो मीन्स अर्थ, मैट्री मीन्स मेजर, अर्थ को मेजर करना। ज्योमेट्री क्या होती है? अर्थ को मेजर करना। कैसे करेंगे अर्थ को मेजर? तो देखो, ये हमारी अर्थ है, बहुत बड़ी अर्थ है, आप जानते हैं। अर्थ पर हम इस बच्चे की लोकेशन कैसे दर्शाएंगे? ये बच्चा कहाँ पर है, इस स्थान का निर्धारण कैसे करेंगे? देखो बच्चों, ये छोटा सा, ये इस स्थान पर है, इस स्थान, ये लड़की इस स्थान पर है, ये लड़की इस स्थान पर खड़ी है, ये लड़की इस स्थान पर खड़ी है, ये वृक्ष यहाँ पर है, ये कौवा आसमान में इस जगह पर उड़ रहा है। तो ये जो जगह को दर्शाने वाला ये हमने निशान लगाया, इस निशान को क्या कहते हैं? सोचो क्या कहते हैं? इसको हम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हम इसको? बिंदु। तो गणित में सबसे पहले ज्यामिति में आपके पास ये आता है एक, ये देखो ये पॉइंट, पॉइंट यानी कि बिंदु से बनेगी बिंदी। तो बिंदी कहाँ लगती है? उसकी भी लोकेशन है। क्या देखो, ये मैंने लगा रखी है बिंदी, ये देखो लगा रखी है। क्या हम बिंदी को यहाँ लगा सकते, इधर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। बिंदी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है बिंदी के, स्थान निर्धारण है। तो बिंदी स्थान को बताती है, बिंदु स्थान को बताता है, यही बिंदु है। बिंदु की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बिंदु बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल नोक से, बिल्कुल पतले से पतला, ये चिन्ह बिल्कुल एग्जैक्ट स्थान, यानी कि उसकी कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कोई मोटाई नहीं होती, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, वही हमारा बिंदु है। आप बिंदु समझ ही गए होंगे, बिंदु क्या है? बिंदु का मतलब बिंदी, और ये स्थान को दर्शाने वाला एक चिन्ह है। ये चिन्ह छोटा चिन्ह, छोटा निशान, पेंसिल की बिल्कुल बारीक नोक से, ये देखो बिल्कुल बारीक नोक से ये लगाया, ज़्यादा मोटी नोक नहीं होनी चाहिए आपकी, बारीक से बारीक नोक से लगाया गया चिन्ह हमारा पॉइंट को इंडिकेट करता है। बिंदु को जानने के बाद अब हम दो बिंदुओं के बारे में जानेंगे। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ये तो आपको पता लग ही गया है कि बिंदु हमारे स्थान की लोकेशन को दर्शाता है, यानी बिंदु एक जगह का निर्धारण करता है। अब ये वंशिका का घर इस बिंदु पर है और देविका का घर इस बिंदु पर है। ये दोनों के घर के बीच की जो दूरी है, ये कम से कम दूरी, ये रही सीधी रेखा, ये हमें रेखाखंड का आभास कराती है। और ये जो ये तिरछी, ये गोल गोल, ये वक्र रेखा का आभास कराती है। तो आपके पास दो बिंदुओं को मिलाकर जो सीधा मिलाएंगे हम, तो ये जैसे ये दिखा रखे हमने, ये दो बिंदुओं के बीच में जो सीधा मिला रखा है, इसको हम रेखाखंड कहते हैं। पता चल गया रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये देखो, इन दोनों के बीच की सीधी रेखा ये है, तो ये हमारा रेखाखंड का आभास करता है। ये देखो, ये इसके यहाँ से शुरू किए और यहाँ पे खत्म किए, तो ये भी क्या हो गया आपका? एक रेखाखंड हो गया। अगर हम इस रेखाखंड को दोनों तरफ ऐसे बढ़ा दें, ये चला गया इधर और ये चला गया इधर, तो रेखाखंड को दोनों तरफ बढ़ाने पर हमारे पास एक रेखा है, जिसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं। लाइन सभी जानते हैं आप, जैसे आपकी कॉपी की लाइन होती है, दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ी हुई है, हमें पता नहीं, कोई एंड पॉइंट नहीं है। चलिए उससे पहले मैं बताता हूँ आपको बिंदु को लिखते कैसे हैं। अभी ये तो बता दिया कि स्थान ये है, इस स्थान को हम ए बी सी बड़े अक्षरों में लिखते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखते हैं, या एक्स या वाई, हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में कैसे, क बिंदु, क बिंदु, ख इस प्रकार से, बिंदु ग, ये बिंदु क्या है हमारा यहाँ पे, ये बिंदु लगा दिए, बिंदु ग, यहाँ पर ये बिंदु है मान लो क, ये बिंदु मान लो ख। आप बड़े अक्षरों में इंग्लिश में और हिंदी में बिंदु के नाम रख सकते हैं। अब इस बिंदु का नाम क्या था आपके पास? ए। इसका नाम क्या था? बी। इसका नाम क, इसका नाम ख। तो इस रेखाखंड का क्या नाम हो गया हमारा? बिंदुओं से नाम आ गया इसका, रेखाखंड क ख। अगर इंग्लिश में रखें तो ए बी, इंग्लिश में कहेंगे रेखाखंड ए बी, ए बी, और हिंदी में क्या कहेंगे? क ख, रेखाखंड क ख। अब क्योंकि रेखाखंड को दोनों तरफ बढ़ाने से हमारी रेखा बनती है, तो रेखाखंड का नाम भी इसी प्रकार हो गया। रेखाखंड ये रेखा होगी हमारी, लाइन, लाइन ए बी, ये भी इसी प्रकार होगी। इसमें क्या अंतर है? देखो ये हमारा रेखाखंड है
और जब इसको हम ऐसे एरो से तीर लगा देंगे तो ये हमारी ये तो रेखाखंड को निर्धारित करता है और ये हमारी रेखा है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। रेखा को हम एक तरीके से और डिनोट कर सकते हैं अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में एल एम रेखा रेखा एल क्या लिखेंगे इसको रेखा एल या लाइन एल लाइन ए से भी कर सकते हैं आप स्मॉल लेटर में लाइन ए स्मॉल लेटर में कर सकते हैं इस बच्चों। अब आपको लाइन के बारे में पता चली गया है और बिंदु के बारे में पता चल गया है। ये देखो ये कॉपी का जो किनारा है इस पेज का जो किनारा है ना ये हमारे रेखाखंड को दर्शाता है और ये किनारा भी रेखाखंड को दर्शाता है ये किनारा भी रेखाखंड को दर्शाता है। और देखो मैंने इसको मोड़ दिया ऐसे बीचों बीच तह लगा दी ये इसकी तह लगा दी। अब देखो ये जो निशान बन गया इसके ऊपर ये बीच निशान बन गया ये निशान भी रेखाखंड को दर्शाता है ये रेखाखंड है हमारा। इसको अगर हम दोनों तरफ बढ़ा देंगे सीमित रूप से तो हमारी वो रेखा बन जाएगी। आइए अब हम दो लाइनों के बारे में पढ़ते हैं। बिंदु जान लिया आपने दो रेखाएं क्या होती हैं। अब देखो एक रेखा ये है हमारी इसका नाम है ए बी एक रेखा ये है सी डी। आप हिंदी में भी कर सकते हैं इंग्लिश में भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इससे आपको लाइन पॉइंट सब इंग्लिश हिंदी दोनों में करिए इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए क ख ग और घ ये टू लाइन है हमारी एक लाइन ये है एक लाइन ये है लाइन की तरफ दोनों तरफ एरो लगेंगे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। क्या होगा टू लाइंस के बारे में अब ध्यान से देखिए टू लाइंस कैसी हैं इनके बीच का जो गैप है देखो ये बराबर है सारा ये जो गैप बराबर है दोनों का ये मैंने बढ़ाई थी ध्यान से देखना आप जैसे आपके पास रेल की लाइन होती है ना उसी तरह है बिल्कुल। इनका गैप हमेशा क्या रहता है बीच का जो गैप है ये बराबर रहता है यहाँ भी जैसे आपकी रेल की लाइनें चलती हैं बिल्कुल सीधी चलती है उनके बीच में जो फासला है ना ये यहाँ से यहाँ तक जो गैप है ये दूरी है सीधी दूरी ये कम से कम दूरी ये बराबर है। और ये दो लाइन देखिए इनमें यहाँ ज़्यादा फासला है यहाँ कम फासला है अगर इनको आगे बढ़ा दें ऐसे इसको भी आगे बढ़ा दें हम तो क्या होगा ये यहाँ पर दोनों काट गई इस बिंदु पर बिंदु ओ पर काट गई। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइनें हैं तो या तो आगे बढ़ाओ इनको इनको बढ़ाओ देखो क्या होगा यहां भी फासला बराबर आगे बढ़ाओ और कहीं बढ़ा दो जाए जैसे इस पेज के किनारे हैं किनारे इसको आगे बढ़ा दो इसको आगे बढ़ा दो यहां भी गैप और यहां का गैप जो ये फासला है इनका दोनों का बराबर है तो ये आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेंगे जैसे कॉपी की लाइनें होती हैं आपकी ये आगे बढ़ाओ इनको कहीं भी ये कहीं नहीं मिलेंगी और ये जो दूसरी लाइन है ये यहाँ मिल जाएंगी जिनमें गैप कम होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइन है कितनी लाइन है दो लाइन या तो वो बढ़ाने पर आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी सीधी चलती जाएंगी जैसे रेल की लाइन आपकी खिड़की के सरिए और दूसरी लाइन ये है कि बढ़ाने पर ये एक दूसरे को मिल जाएंगी तो इनको क्या कहते हैं जो ये नहीं मिलेंगी इनको कहते हैं समांतर लाइन समांतर रेखा रेखाएं ये कहीं नहीं मिलती यानी कि पैरेलल लाइन इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये दो लाइन पैरेलल है यानी कि समांतर है इनका अंतर जो है ना वो समान है नाम से क्लियर होता है इंग्लिश में कि समांतर यानी कि अंतर समान है और ये होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि बढ़ाने पर ये आगे यहां पर इंटरसेक्ट कर गई प्रति एक दूसरे में छेद कर दिया इसने क्या कर दिया एक दूसरे बच्चों छेद कर दिया ये इसको काट गई ये इसको काट गई छेद कर दिया ना तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी हमारी। तो लाइन आपके पास दो प्रकार की होती है एक समांतर रेखा और एक जब आप दो लाइनों की बात करते हैं ना दो लाइनें या तो वो समांतर होंगी या वो प्रतिच्छेदी होंगी।